पॉलीथीन को भले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वे चोरी छुपे नहीं बल्कि खुलेआम भारी मात्रा में माल मंगा रहे हैं और उसकी बिक्री भी कर रहे हैं। हैरत तो तब होती है जब सड़क पर ठेले लगाने वाले बेझिझक अवैध पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। हालांकि गोरखपुर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम प्रतिबंधित पॉलीथीन पर कार्रवाई भी करती है, प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके बावजूद इसके दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जिसके तहत सोमवार को प्रवर्तन दल की टीम ने भारी मात्रा में पॉलीथीन को जब्त किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, आप लोग को जब जब ये पॉलीथीन पूरा प्रतिबंध है, क्यों बेचते हो तुम लोग? कहाँ लगता है ये? कहाँ से मिल रहा है? तुम्हें टांग के लेके जाऊँ, तुम्हें डालूंगा, पहले बता रहा हूँ। तुम्हें आज चलान नहीं कर रहा हूँ। कहा है पॉलिथिन? पॉलिथिन कहा है? निकाल के पॉलिथिन पॉलिथीन आज एक्चुअली हमारा मतलब कि एक अतिक्रमण के सिलसिले में कहीं आए थे, तो जाते समय इस इलाके में कम से कम 5-6 बार पहले भी हमने इनका पॉलिथीन का चलान कर दिया है। ये आदमी समझने को तैयार नहीं है, तो आज इनका मैंने चलान नहीं किया, इनका मैंने इनकी जितनी पॉलिथीन आप ये देखेंगे सर, मैंने कुछ छीन ली है। और छीन के कम से कम एक 2 किलो पॉलिथीन है, एक करीब 40-50 ठेले वाले हैं, इनसे आज मैंने पॉलिथीन इनका कोई चलान नहीं किया। इनको समझाता हूँ उससे इतनी ये गंदी चीज़ है, ये बोलते हैं हाँ, इसके बाद दूसरे दिन फिर वैसे ही, तो डाक के 3 बाद वाली बात है। तो आज इनको दोबारा मैं लाश कर रहा हूँ, कल मैं जितना जिसके पास पॉलिथीन मिलेगी 1000 रुपये तो जुर्माना हुआ है, और नहीं देंगे तो इनका तराजू और इनका सब लेके मैं जाऊँगा। उसी सिलसिले में आज अभी हमने पकड़ा है इनको, करीब करीब 40 ठेले वाले हैं और हर एक के पास पॉलिथीन था।